गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अब अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो हमने जैसे पिछले बार जो हमने किया था संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। अब आप पूछेंगे कि मैंने संज्ञा के बारे में क्यों बताया पहले, क्योंकि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, उन्हें ही हम सर्वनाम या इंग्लिश में हम इनको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर ठीक है प्रयुक्त होते हैं, यूज होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम या इंग्लिश में हम उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, वे, हम, इस प्रकार के जो ये शब्द है ये हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, जो हर किसी के लिए यूज होता है। अगर मैं कहूं कि वह, तो वह कोई भी हो सकता है, हर पर्सन कोई भी होता है, वह 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 वह, ठीक है। तो ये शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं, सभी के लिए। मैं, अब मैं शब्द है, मैं अपने लिए भी मैं यूज करूंगा, आप अपने लिए मैं यूज करोगे, तो मैं भी क्या है, एक सर्वनाम है, ऐसे नाम जो हर कोई यूज कर सकता है। अब मेरा नाम प्रदीप है, तो प्रदीप सिर्फ मैं ही हूँ, ठीक है, मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ, मैं आपको प्रदीप नहीं कह सकता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम जैसे एक वाक्य ले लेते हैं, एक जैसे एक वाक्य है सिंपल, राम मेरा मित्र है, ठीक है। यहां पर राम क्या है, संज्ञा है। अगर हम वाक्य लिखेंगे राम मेरी कक्षा में पढ़ता है, तो यहां पर कुछ बात बनी नहीं कि हम बार बार राम 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 ऐसे करेंगे। राम ये कक्षा का छात्र है, राम के माता पिता ये करते हैं, राम अच्छा लड़का है, राम कक्षा का मित्र है, तो बार बार हम उसी संज्ञा को यूज नहीं करेंगे। उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, जैसे राम मेरा मित्र है, तो अगली बार जब हम राम का शब्द कहेंगे, उसी के बारे में जिक्र करेंगे, तब हम लिखेंगे वहां पर वह, कि वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। उसके माता पिता डॉक्टर या जो भी उनका, अगर हम कुछ भी लिखना चाहें ऐसे हम करते, तो राम राम हम बार बार लिखेंगे नहीं करेंगे। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम, ठीक है। अब हम करते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 यानी के 6 भेद हैं। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, और उसके बाद अंतिम है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार 6 हमारे इसके भेद हैं, और हम उनको अलग अलग से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम।